आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी में, ठीक उसी जगह पर जहां मस्जिद के सामने 12 दुकानें जो अवैध बनाई गई थी उन सबको ढा दिया गया है। जी हां, ये इंसाफ के बुलडोजर अवतार की तस्वीर है जो राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में आप देख रहे हैं। लेकिन बुलडोजर के एक्शन पर जो रिएक्शन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बुलडोजर समस्या है या फिर समाधान है। एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे बुलडोजर्स के साथ अलग अलग जगहों पर, जूस कॉर्नर जो भी अवैध था, चाहे वो मस्जिद चाहे वो जूस कॉर्नर, जो भी अवैध निर्माण था, अगर अवैध है तो टूटेगा, इसकी तस्वीर आई। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इसके बाद फौरन ये कहा कि अभी रुको, अभी हमें समझने दो अवैध निर्माण क्या है, कैसी कार्रवाई कर रहे हो, जिसके बाद फिलहाल सब कुछ रोक दिया गया है। अब मामले की सुनवाई कल होगी। लेकिन आज हम एक घंटे के स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि आखिर यही जो बुलडोजर चला है वो कितना पॉलिटिकल है और कितना लीगल है। हम इस एक घंटे के शो में आपके सामने रखेंगे इसके पीछे की राजनीति, इसकी पूरी तस्वीर और दूसरी तरफ वो बड़ा संदेश कि अगर अवैध है तो टूटेगा। जी हाँ, आइए दिखाते हैं आपको आपको अपनी ये शुरुआती रिपोर्ट आज, कैसे एमसीडी की यहाँ पर कार्रवाई हुई और कैसे संदेश और संकेत साफ दिए गए हैं, क्या है नियम अवैध निर्माण को गिराने का और क्या हुआ है, देखिए। जो अवैध निर्माण है उस पर पहला क्रेन चल गया। बुलडोजर कितना पॉलिटिकल, बुलडोजर कितना लीगल। ये कैसी बुलडोजर गर्दी है। मैं ठीक वहीं पर मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट का ओरल ऑर्डर अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त जहांगीरपुरी में कार्रवाई हो रही है और ये गुप्ता जूस कॉर्नर के एक हिस्से से लिंटर को पूरी तरह से गिराया गया और अब दूसरे हिस्से से भी कार्रवाई हो रही है। सवाल असलम की दुकान पर चले बुलडोजर का नहीं, सवाल जमींदोज़ हो चुके गुप्ता जूस कॉर्नर का नहीं, सवाल मस्जिद के अवैध दरवाजे पर चले बुलडोजर का नहीं, सवाल संविधान के विधान से चलने वाले मुल्क में बुलडोजर वाले इंसाफ की नई रवायत का, यानी न अपील न दलील न सुनवाई, फैसला ऑन द स्पॉट का। दो घंटे 50 मिनट तक जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो हुआ उसकी अलग अलग व्याख्या की जा रही है। बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर एमसीडी संगीन सवालों के कटघरे में, ऐसा क्यों, तस्वीरों की जुबानी आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। सुबह 10:20 एमसीडी के बुलडोजर का एक्शन कुछ यूं शुरू हुआ। एंक्रोचमेंट यहाँ पर जो पत्थर का है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर इलीगल एंक्रोचमेंट, सबसे पहले इलीगल एंक्रोचमेंट यहाँ पर हटता हुआ, आप हटो आगे से तस्वीरों से, आप हटो। ये देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले सांकेतिक रूप से, ये साफ है कि सांकेतिक रूप से इसे चलाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं जहाँ पर क्रेन से बुलडोजर से जो यहाँ पर अवैध रूप से गाड़ियां या फिर झोपड़ पट्टी पर है, ये देखिए एक एक करके ये समान तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक एक करके यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि जहांगीरपुरी में इस तरह से इससे पहले कभी भी बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन ये शायद सबसे बड़ा संकेत है, प्रमाण है इस बात का। धीरे धीरे करके इस पूरे इलाके में आप देख रहे हैं बुलडोजर को हटाया जा रहा है। बुलडोजर का यहाँ पे इसको गिराएंगे। ये देखिए आप इस, ये जो तीसरा ये दिखा दीजिए, ये जो तीसरा आप देख रहे हैं, एक एक करके ये सारे इलीगल है और ऐसे तमाम इलीगल निर्माण पर फिलहाल क्रेन, ये जेसीबी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जेसीबी देखिए आप, ये जेसीबी इधर आती हुई धीरे धीरे इधर आ रही है
और ये जेसीबी अब तीसरे ऐसे एनक्रोचमेंट पर, अभी जो कंक्रीट के एनक्रोचमेंट है उस पर तो नहीं चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिलहाल ये बुलडोजर यहाँ पर ऐसी जगहों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए तीसरी जगह आप देख रहे हैं, तीसरी जगह पर बीच चौराहे में कुशल सिनेमा सामने है, मस्जिद बगल में है, और यहाँ पर ये दिखाइए तस्वीरें, सारा सामान अंदर में है, आप देख सकते हैं ये अपने आप में गुमटी थी, अंदर में सामान भी है, लेकिन चूंकि इलीगल एनक्रोचमेंट है, इलीगल एनक्रोचमेंट पर सबसे बड़ा कदम ये ऐतिहासिक लम्हा आज तक पर, ये देखिए तस्वीरें, और ये देखिए ये बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ पेड़ को बीच में लगाकर ये पूरा बनाया गया था। मोबाइल का भी सामान यहाँ पर मिलता था, सिम कार्ड मिलते थे, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है, इन सब पर पहली बार बुलडोजर चला। वक्त सुबह 10:35। ये दूसरी तरफ देखिए, ये जो जूस कॉर्नर है, एक सेकंड हटिएगा, ये जो जूस कॉर्नर है इसको भी ढहा जा रहा है। यहाँ पर जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन था सामने का, अवैध निर्माण था, उसे गिराया जा रहा है। थोड़ा सा पीछे जाइए। ये जूस कॉर्नर जो ऐतिहासिक तरीके से हम लगातार आपको दिखा रहे थे, यही से वो जुलूस इस दिन दाई तरफ निकला था। उस जूस कॉर्नर के, गन्ने की जूस की दुकान के सामने भी ये पूरा देखिए, इस तरह से बुलडोजर चल रहा है, क्रेन चल रहा है, और जितना निर्माण अवैध था। खाली आगे से हट जाइए, मैं आगे नहीं जाऊंगी, आप आगे से हट जाइए, तस्वीरें ले लूंगी। ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये जो गन्ने का जूस कॉर्नर है, दिल्ली फ्रूट जूस, उस पर इस वक्त यहाँ पर क्रेन चलता हुआ दिखाई दे रहा है।